चलिए प्यारे बच्चों, बीबीएम ज्ञान अंडरटी में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार वर्मा, मैं आज आपको त्रिकोणमिति से ऊंचाई दूरी का सवाल जो है कि पढ़ाएंगे। देखिए, ऊंचाई दूरी में हम पहला सवाल आपको पढ़ा रहे हैं 9.1 से। देखिए, हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न इस प्रकार है, एक पेड़ स्थल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेड़ स्थल की ऊंचाई बताओ। रोका रचे। हाँ, चलिए देखिए, एक पेड़ स्थल के शिखर पर एक दशमलव छः मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो पेड़ स्थल की ऊंचाई बताइए। देखिए, पेड़ स्थल कहने का मतलब जो है कि ये हमारा पेड़ स्थल है, यहाँ से पेड़ को काटा गया है, ठीक है, यहाँ से पेड़ को काटा गया है और इस पेड़ स्थल पर एक मूर्ति लगी है। क्या लगी है? इस पर एक मूर्ति लगी है जो कि मूर्ति की जो लंबाई है वो 1.6 मीटर की लंबी मूर्ति है, ठीक है। अब कहा गया है कि एक बिंदु से पेड़ स्थल की जो उन्नयन कोण है वह 45 अंश है। एक बिंदु से पेड़ स्थल की उन्नयन कोण 45 अंश है और जो है पेड़ स्थल जो उस पर मूर्ति लगी है उसके शिखर से उस बिंदु का उन्नयन कोण 60 अंश है। कितना है? 60 अंश का है, ये हमारा 60 अंश है, ठीक है। अब यहां हम मान लेते हैं ए बी सी, यहां मान लेते हैं डी। अब पूछा यह गया है कि पेड़ स्थल की ऊंचाई कितनी होगी, तो पेड़ स्थल की ऊंचाई हम मान लेते हैं एच होगी। कितना होगी? यस। देखिए, प्रश्न को एक बार फिर समझिए, एक पेड़ स्थल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कहने का मतलब ये पेड़ स्थल है, इसके शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी इस बिंदु सी से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। और उसके बाद का कहा है, और उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो पेड़ स्थल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, अब जो है माना पेड़ स्थल की ऊंचाई, पेड़ स्थल की ऊंचाई हम बीडी मान लेते हैं, बीडी बराबर एच मीटर, ठीक है, और मूर्ति की ऊंचाई एडी है, एडी बराबर 1.6 मीटर, ठीक है। अब जो है हम मान लेते हैं BC बराबर X। अब हम पहले चलते हैं, तो पहले हम त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। अब देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम, इसमें उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश। कितना है? 60 अंश। अब हम टैन 60 अंश से चलेंगे, टैन 60 अंश बराबर, चूंकि टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ एल बटे ए हो जाएगा, यानी लंब बटे आधार। अब लंब इसमें कितना है? ए बी है, और ए बी में
यहाँ से यहाँ तक 1.6 मीटर है और प्लस बीडी जो है हमारा एच है। आधार कितना है, आधार को हम एक्स माने हैं। क्या माने हैं, एक्स। अब चलिए देखिए, टैन थीटा बराबर होता है करणी में 3, 1.6 प्लस एच बटे एक्स। अब एक्स बराबर जब हम ज्ञात करेंगे तो एक्स बराबर होगा 1.6 प्लस एच बटे का आ जाएगा अंडर रूट 3। अब चलिए समीकरण एक हुआ। अब इसी के बाद हम समकोण त्रिभुज डी बी सी लेते हैं। समकोण त्रिभुज डी बी सी में इसमें टैन 45 अंश, तो टैन 45 अंश बराबर लंब बटे आधार। इसमें देखिए लंब क्या होगा, डी बी होगा जो कि एच है और आधार कितना है एक्स। अब टैन 45 अंश का मान एक बराबर एच बटे एक्स हुआ, एक्स का गुणा हम एक में किए एक्स बराबर एच, ये समीकरण 2 हुआ। ठीक है, अब उसके बाद अब देखिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलते हैं। ठीक है, समीकरण 1 एक्स बराबर 1.6 प्लस एच और यहाँ है अंडर रूट 3 और यहाँ एक्स बराबर कितना है एच। समीकरण 1 समीकरण 2 से, अब समीकरण आपका 1 है एक्स बराबर 1.6 प्लस एच बटे करणी में 3 और समीकरण 2 एक्स बराबर कितना है एच। अब चलिए देखिए यहाँ पर 1.6 एच ऐसे रहने दो, चूँकि करणी में 3 का गुणा हम एच में करेंगे, करणी में 3 एच हुआ। अब एच को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस होगा, तो करणी में 3 एच माइनस एच हुआ, यहाँ 1.6 बचा। यहाँ से हम एच कामन करेंगे तो करणी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6। जब हम एच बराबर लेंगे तो 1.6 बटे का आ जाएगा करणी में 3 माइनस 1। अब चूंकि हम हर का परिमेयकरण करेंगे, जब यहाँ माइनस है तो अंश और हर में हम करणी में 3 प्लस 1 और करणी में 3 प्लस 1 से अंश और हर में गुणा करेंगे। अब ऊपर हुआ 1.6 करणी में 3 प्लस 1 और यहाँ चूंकि यहाँ आपका सूत्र बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर करणी में 3 का वर्ग और 1 का वर्ग तो एक ही होता है। 1.6 करणी में 3 प्लस 1 और यहाँ करणी में 3 से वर्ग करेंगे केवल 3, 1 का मान 1 होता है। 1.6 करणी में 3 प्लस 1 और 3 में से 1 निकाल दिए 2। अब 2 8 16, यहाँ 0.8 हुआ, 0.8 करणी में 3 प्लस 1 मीटर जो है पेडस्टल की ऊंचाई आया। चलिए एक बार इसको फिर से समझो। देखिए प्रश्न में कहा था, एक पेड़ स्टल की ऊंचाई, एक पेड़ स्टल के शिखर पर 1.6 मीटर लंबी मूर्ति रखी गई है। शिखर का उन्नयन कोण यानी मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण 60 अंश है और पेड़ स्टल के शिखर से उन्नयन कोण 45 अंश है, तो पेड़ स्टल की ऊंचाई बताओ। ठीक है, अब हमने मान लिया पेड़ स्टल की ऊंचाई बी डी है, ये पेड़ स्टल की ऊंचाई बी डी है जिसको हमने एच मीटर मान लिया। मूर्ति की ऊंचाई कितना है, 1.6 मीटर है। अब हम पहले जो है टैन 60 अंश लेते हैं, पहले उन्नयन कोण हम 60 अंश लेते हैं, तो टैन में होता है लंब बटे आधार। ये हमारा ए बी पूरा लंब बन रहा है, ए बी में 2 खंड है, यहाँ से 1.6 यहाँ तक एच है और आधार कितना मान लिए हैं एक्स। अब टैन 60 का मान होता है करणी में 3, अब जब हम एक्स यहाँ आएगा तो करणी में 3 बटे में हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम समकोण त्रिभुज डी बी सी ले रहे हैं जिसमें टैन 45 अंश लेंगे, टैन 45 अंश का मान 1 हुआ, एक्स का गुणा 1 में करेंगे एक्स बराबर एच हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से हम चलेंगे तो यहाँ भी एक्स बराबर 1.6 प्लस एच बटे करणी में 3 और यहाँ एक्स बराबर एच है। दोनों पक्ष की हम तुलना करेंगे तो यहाँ देखिए करणी में 3 से एच में गुणा किए, करणी में 3 एच हुआ। अब ये एच बराबर कुछ तरफ ले जाएंगे तो माइनस होगा, यहाँ बचा कितना 1.6। जब हम एच कामन लेंगे तो ये एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और ये गुणा में नीचे आएगा, भाग में हो जाएगा। फिर हम हर का परिमेयकरण करेंगे यानी करणी में 3 प्लस 1 से, करणी में 3 प्लस 1 से अंश और हर में गुणा करेंगे। अब जो है नीचे हमारा
यहाँ बटे में a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र बना, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, यानी ट्रेंडिंग तीन का वर्ग केवल तीन होता है, एक का वर्ग एक, तीन में से एक निकाल दिए, दो दो आठ सोलह, 0.8 ट्रेंडिंग तीन प्लस एक मीटर पेड़ स्टल की ऊंचाई आया। अब चलिए देखिए अगला सवाल, चलिए देखिए अगला सवाल जो है, एक मीनार के, अगला सवाल है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई बताओ। देखिए यहाँ पर दिया है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है, ठीक है। तो ये हमारा एक भवन हुआ, मान लीजिए ये हमारा भवन है, ये हमारा मीनार जो कि 50 मीटर की ऊंचाई पर है, ये हमारा मीनार जो कि 50 मीटर ऊंचा है। अब देखिए प्रश्न में कहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, तो ये मीनार का पाद बिंदु है यानी कि आधार है, आधार से भवन का शिखर का उन्नयन कोण, ये हमारा भवन है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है, कितना है, 30 अंश। अब जो है उसके बात कर रहा है कि और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी भवन का पाद बिंदु ये है, इससे जो है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है, इससे हमारा मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश, ये कितना है, 30 अंश है, और मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर, तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए ए बी सी डी, ठीक। अब हम मान लेते हैं, माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई सी डी है, सी डी को हम एच मान लेते हैं, भवन की ऊंचाई सी डी बराबर एच है, और मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार हमारा ए बी है जो कि 50 मीटर ऊंची है, और चलिए देखिए बी सी कितना है, बी सी बराबर हम एक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एक्स मीटर। अब चलिए देखिए, देखिए प्रश्न में कहा है कि मीनार 50 मीटर ऊंचा है, और मीनार के आधार से भवन को देखने पर उन्नयन कोण 60 अंश, और फिर उसके बाद भवन के आधार से मीनार के शिखर को देखने पर कितना बनता है, 60 अंश। अब चलिए देखिए, पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए, इसमें पहले हम टैन 60 अंश, टैन 60 अंश बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब इसमें का है ए बी है, आधार का है बी सी है, क्योंकि लंब पता है 50 मीटर है, आधार कितना है एक्स। अब टैन 60 का मान होता है कैडी में 3, 50 बटे एक्स को ऐसे रहने दो, जब हम एक्स का गुणा यहाँ करेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 50 बटे कैडी में 3, समीकरण एक बना। अब चलिए देखिए उसके बाद, अब समकोण त्रिभुज डी सी बी में चलते हैं, समकोण त्रिभुज डी सी बी में, समकोण त्रिभुज डी सी बी में, अब इसमें हम टैन 30 अंश लेते हैं, टैन 30 अंश लंब बटे आधार, लंब इसमें क्या होगा, सी डी होगा, आधार होगा बी सी, अब सी डी कितना है एच, बी सी कितना है एक्स, अब टैन 30 अंश का मान होता है एक बटे करणी में 3,
एच बटे एक्स को ऐसे रहने दो, चूंकि एक्स का गुणा एक में करेंगे एक्स, कैडियम तीन का गुणा एच में किए कैडियम में तीन एच, ठीक है। अब जो है हम जो है एक्स बराबर 50 बटे कैडियम तीन, एक्स बराबर कैडियम में तीन एच, दोनों पक्ष की तुलना करेंगे। तो जब हम दोनों पक्ष की तुलना करेंगे तो देखिए यहां हो जाएगा 50 बटे कैडियम तीन और यहाँ हो जाएगा कैडियम में तीन एच, ठीक। अब जब हम एच बराबर लेंगे तो ये बटे में आएगा, तो यहाँ एच बराबर 50 बटे कैडियम तीन, कैडियम तीन है, या फिर ऐसे करिए 50 को ऐसे रहने दो, कैडियम तीन से कैडियम तीन का गुणा किए केवल तीन एच हो गया, ठीक है। अब एच बराबर 50 बटे कितना आया तीन, अब 50 में हम तीन से भाग देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा दो, यहाँ हो जाएगा 16 सही 2/3 मीटर, यानी भवन की जो ऊंचाई है। एक बार जो है प्रश्न को देखिए, ठीक है, प्रश्न आपके जो है स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ देखिए प्रश्न कहा गया है एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु, ए बी हमारा मीनार है, इसके आधार बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। अब ये कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए पहले हम मान लेते हैं भवन की ऊंचाई हमारा सीडी जो कि एच है, मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं ए बी जो कि 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, तो इसमें टैन 60 अंश, टैन 60 अंश यानी टैन में होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है ए बी हो गया, आधार कितना है बी सी, अब लंब 50 आधार एक्स हो गया, अब टैन 60 का मान होता है अंडर रूट 3, जब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ये बटे में हो जाएगा। इसी तरह अब हम समकोण त्रिभुज डी सी बी में चलते हैं जिसमें कि 30 अंश है, उन्नयन कोण कितना है 30 अंश। अब जो है तो इसमें भी लंब बटे आधार, लंब कितना है सी डी, आधार कितना है बी सी, अब जो है इसका मान होता है 1/√3, चूंकि एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो एक्स होगा, और √3 का एच में किए √3 एच हुआ, ठीक। अब इसके बाद एक्स बराबर यहाँ इतना है, दोनों पक्ष की हम तुलना करेंगे, तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ देखिए 50 बटे कैडियम तीन आ, फिर कैडियम तीन एच हुआ, तो कैडियम तीन से कैडियम तीन का गुणा तो केवल तीन हो जाता है, ठीक है। जब एच बराबर लिए 3/3 में आएगा, 50 में भाग दिए तो कितना आया 16 सही 2/3 मीटर, ठीक है। ये हमारी भवन की ऊंचाई है। अब देखिए अगला प्रश्न जो है देखिए अगला प्रश्न है एक 80 मीटर, ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और कितना है 30 अंश, खंभे की ऊंचाई और खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, और वह बिंदु की दूरी ज्ञात करना है जहां से उन्नयन कोण 30 अंश और 60 अंश बनते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए पहले हम एक 80 मीटर जल्दी देखिए पहले हम 80 मीटर लंबी सड़क खींचते हैं। देखिए 80 मीटर लंबी सड़क है, मान लेते हैं ये 80 मीटर लंबी सड़क है। अब सड़क के आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं, मान लीजिए एक खंभा ये है एक खंभा ये, दोनों आमने सामने हैं और दोनों ही समान लंबाई के हैं, यानी मान लीजिए इसकी ऊंचाई h मीटर है तो इस खंभे की भी ऊंचाई कितना है h मीटर, ठीक है। अब कहा गया है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, कहने का मतलब सड़क के एक बिंदु से देखने पर ये दोनों खंभों के बीच 30 60 अंश और 30 अंश की
उन्नयन कोण बन रहा है, जैसे कि यहाँ से 60 अंश और 30 अंश का उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 60 अंश है, ये कितना है 30 अंश है, ठीक। अब उसके बाद कहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो खंभे से दूर है, कहने का मतलब यहाँ से कितना दूर है और यहाँ से कितना दूर है, ठीक है। अब चलिए मानते हैं हमारा सड़क ए बी है, ठीक है, वह बिंदु जहाँ से खंभे का उन्नयन कोण 30 अंश और 60 अंश है उसको हम डी मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ हम ई और एफ मान लेते हैं, ठीक है। हमारा देखिए खंभा दोनों समान है, चूँकि मान लेते हैं, माना खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई चूँकि खंभा समान है, ए ई, ए ई बराबर बी एफ बराबर हम एच मीटर मान लेते हैं, ठीक है, कि एच मीटर का हमारा खंभा है। अब हम इस दूरी को, इस दूरी को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब इस दूरी को हम क्या मान लें, 80 माइनस एक्स मान लेते हैं, कहने का मतलब ए डी को हम एक्स मान लेते हैं और बी डी को, बी डी को 80 माइनस एक्स मान लेते हैं, क्योंकि जब इतनी दूरी एक्स हुआ तो इतना दूरी पूरे 80 में से घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगा, ठीक। अब चलिए देखिए, अब पहले हम समकोण त्रिभुज ई ई ए डी में, ठीक है, डी ए ई में समकोण त्रिभुज डी ए ई में पहले टेन 60 अंश, टेन 60 अंश लंब बटे आधार, इसमें देखिए लंब ए ई है और आधार कितना है ए डी, ए ई का मान कितना है एच है और आधार कितना है एक्स है, ठीक है। अब टेन 60 अंश का मान होता है अंडर रूट 3 एच बटे एक्स, ठीक। अब एक्स बराबर हो जाएगा एच बटे अंडर रूट 3। चलिए अब हम दूसरे समकोण त्रिभुज में चलते हैं, समकोण त्रिभुज डी बी एफ में, ठीक है, समकोण त्रिभुज डी बी एफ में, इसमें देखिए टेन 30 अंश, टेन 30 अंश, अब इसमें लंब बटे आधार, लंब का है बी एफ है और आधार है बी डी, चूँकि लंब एच है आधार कितना है 80 माइनस एक्स है। चलिए टेन 30 का मान 1 अपान अंडर रूट 3 होता है एच बटे 80 माइनस एक्स हो गया। अब देखो यहाँ हम इसका गुणा 1 में करेंगे तो 80 माइनस एक्स और अंडर रूट 3 का एच में किए, अंडर रूट 3 का एच में किए, अंडर रूट 3 एच हुआ। अब जो है एक्स बराबर हो जाएगा 80 ऐसे रहेगा माइनस अंडर रूट 3, यहाँ पर हुआ अंडर रूट 3 एच बराबर एक्स हो गया। अब एक्स बराबर हम 80 माइनस अंडर रूट 3 एच हो गया। अब दोनों पक्ष की हम तुलना करेंगे, चूंकि एक्स बराबर यहाँ भी इतना है और एक्स बराबर हमारा इतना आया, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पर एच बटे अंडर रूट 3 80 माइनस अंडर रूट 3 एच हुआ। अब इसका गुणा हम यहाँ करेंगे तो यहाँ 80 अंडर रूट 3 और यहाँ 3 का गुणा इसमें करेंगे केवल 3 एच हो जाएगा, ठीक है। अब 3 एच इस तरह पाएगा तो प्लस 3 एच होगा, यहाँ हुआ 80 अंडर रूट 3, अब 3 एच और एच 4 एच हुआ बराबर आपका एच बराबर हो जाएगा 80 अंडर रूट 3 बटे 4, 4 दूना 8 यानी 20 आया, 20 अंडर रूट 3 यानी कहने का मतलब 20 करणिम 3, ये हमारा खंभे की ऊंचाई है, ठीक है। खंभे की ऊंचाई कितना आया 20 करणिम 3 मीटर। अब हमें वह बिंदु ज्ञात करना है जो कि उस बिंदु से जिससे 30 अंश और 60 अंश का उन्नयन कोण बन रहा था। तो चलिए देखिए यहाँ हमारा x बराबर एच बटे करणिम 3 है, तो हम h का मान रख दें 20 करणिम 3
बटे कह रही तीन, तीन से तीन कैंसिल हुआ, 20 मीटर हुआ। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ हमने एडी माना था, एडी हमारा कितना आया, 20 मीटर आया। ठीक, अब हम किसको निकालेंगे, बीडी निकालेंगे, क्योंकि बीडी हमारा है 80 माइनस एक्स, तो 80 ऐसे रहेगा, एक्स का मान कितना है 20। ठीक है, अब 80 में से 20 निकाल दिए, कितना आया 60 मीटर, कितना आया 60 मीटर, बीडी कितना आया 60 मीटर। अब देखिए, चलिए देखिए एक बार प्रश्न को फिर से देखिए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के दो खंभे हैं। ठीक है, और सड़क के एक बिंदु से खंभे का उन्नयन कोण 30 अंश और दूसरी तरफ 60 अंश होता है। ठीक है, तो कहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो खंभे से दूर है, यानी कि एडी का बिंदु निकालिए, फिर बीडी निकालिए कि कितनी दूरी पर है। चलिए देखिए, अब हमने माना खंभे की ऊंचाई जो है ए ई बराबर बी एफ है, चूँकि ये दोनों समान ऊंचाई के थे, जितना ए होगा इतना ही होगा, बराबर एच मीटर, और ए डी को हम मान लिए थे एक्स मान लिए, तो बी डी कितना होगा 80 माइनस एक्स। अब हम चलेंगे समकोण त्रिभुज डी ए ई में। ठीक है, इसमें चलेंगे तो टेन 60 अंश लेंगे, तो लंब बटे आधार, ये हमारा लंब हुआ और ए डी आधार हुआ, लंब हमारा था एच और आधार कितना था एक्स, टेन 60 अंश का मान हुआ कर्णिंग तीन। अब जो है यक्स बराबर आएगा तो कर्णिंग तीन बटे में हो जाएगा, यहाँ यक्स बराबर इतना आया। फिर उसके बाद समकोण त्रिभुज हम चलेंगे डी बी एफ में, तो इसमें हमने देखा टेन 30 अंश, टेन 30 अंश मतलब लंब बटे आधार, लंब आपका बी एफ है, आधार कितना है बी डी है, तो लंब है एच, आधार 80 माइनस एक्स हुआ, चूँकि यहाँ पर टेन 30 अंश का मान 1/3 होता है, इसका गुणा हम एक में करेंगे तो वही आएगा। अब कैडिंग तीन का गुणा एच में किए, कैडिंग तीन एच हुआ, जब हम एक्स उस तरफ करेंगे तो एक्स प्लस में हो जाए, ये इस तरफ आया माइनस हुआ। अब चलिए यहाँ एक्स बराबर इतना आया, फिर उसके बाद देखिए एक्स का मान यहाँ इतना है, यहाँ दोनों पक्ष की तुलना करेंगे, जब तुलना किए तो यहाँ देखिए कैडिंग तीन का गुणा हम 80 में किए, 80 कैडिंग तीन, फिर इसका गुणा हम कैडिंग तीन किए, केवल 3h हो जाएगा, ये इस तरफ आया तो प्लस हुआ, दोनों जोड़ दिए कितना हुआ 4h हुआ, जब h बराबर लेंगे 4/2 में आएगा, 4 से 80 में भाग दिए कितना आया 20, 20 कैडिंग तीन, ये हमारे दोनों खंभे की ऊंचाई हो गया। अब वह बिंदु ज्ञात करना है जैसे कि AD ज्ञात करना है, तो AD कितना था x था, तो x बराबर h बटे कैडिंग तीन है, चूंकि h का मान 20 कैडिंग तीन है, तो कैडिंग तीन से कैडिंग तीन कैंसिल हुआ, यहाँ हुआ 20, यानी कि AD 20 मीटर आया। अब हमें BD निकालना है, तो BD कितना था 80 माइनस एक्स, एक्स की जगह हम 20 रख दिए, 80 में से 20 निकाल लिए, कितना बचा 60 मीटर। ठीक है, अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा, देखिए ऊंचाई दूरी से अभी कुछ सवाल हैं जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन बताएं, मतलब कि जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।